एक तस्वीर लगनी होती है अखबार में, अखबार में अपना है। हाँ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मीडिया से रिलेटेड जितने हमारे दोस्त हैं तशरीफ ले आए। इसके साथ साथ मैं अपने दोस्तों और साथियों को एमकेएम पाकिस्तान में वेलकम करूंगा। इनके एमकेएम पाकिस्तान आने का सिलसिला 2018 से हम रابطے में थे, जारी था। कुछ ऐसे हालात थे, सगीर भाई की वालदा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसमें मसरूफ़ थे सगीर भाई, और दोस्त ये चाह रहे थे कि जल्द से जल्द हम एमकेएम पाकिस्तान अपने घर पहुँचे। तो मैं एक बार फिर अपने दोस्तों का, साथियों का, भाइयों का वेलकम करूंगा। पूरी राबता कमेटी ने वेलकम किया है, जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं सब ने वेलकम किया है कि मेरे साथी आज अपने घर आए, और इंशाल्लाह उसी जज्बे के साथ जो हमने तहिया किया हुआ है कि अपनी कौम को, अपने मुल्क को, अपनी जमात को मुत्तहिद करेंगे और इंशाल्लाह मजबूत करेंगे। तो मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि जो हमारे दोस्तों की एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है इस जमात के साथ, इनकी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, उससे कौम को फ़ायदा पहुँचेगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसके साथ साथ जहाँ वसीम आफ्ताब भाई, सगीर भाई, सलीम ताजिक भाई, ताहा भाई तशरीफ़ लेके आए हैं, वहाँ शकील उमर भाई भी, उन्होंने भी पार्टी को ज्वाइन किया है। वो यूरोप में हैं इस वक्त मौजूद, ओवरसीज़ में हैं, और उनका भी यही जज्बा है। उसी जज्बे के साथ इंशाल्लाह शकील उमर भाई भी अपना जो ओवरसीज़ पे काम होगा, जो पार्टी उनको हिदायत देगी, उसी काम को वो वहाँ आगे बढ़ाएंगे। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम करता हूँ। इसके साथ साथ एक बात कहता चलूँ हुकूमत वक्त के हवाले से कि जिस तरह से कराची में ब्लास्ट हो रहे हैं, जिस तरह से अनसर्टेनिटी फैलती जा रही है, जिस तरह से लोग परेशान हैं, एक कल धमाका हुआ है, उससे पहले यूनिवर्सिटी में धमाका हुआ था, और कल जो धमाका हुआ है वो लम्हा फिक्रिया है हुकूमत वक्त के लिए भी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबे की हुकूमत हो। आज अखबार ये कहता है कि सिंधु देश जो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो सिंध को अलग करना चाहते हैं, जो नहीं मानते पाकिस्तान को, उन्होंने क्लेम किया है कि कल का ब्लास्ट उन्होंने किया है। तो ये हुकूमत वक्त, हुकूमत सिंध के लिए भी और फेडरल गवर्नमेंट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। कराची के लोग परेशान हैं, कराची हब है इकोनॉमी का, इसको देखा जाए, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा कंसर्न पाया जाता है इस दहशतगर्दी के हवाले से। मैं सगीर भाई से कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं पिछले दिनों जो वाक़यात पेश आ रहे हैं दहशतगर्दी के, और जिसमें मुतादद लोग ज़ख्मी हुए और शहीद हुए, सबसे पहले तो मैं उनकी फैमिलीज़ के साथ इजहार यकजहती करता हूँ।
और उनसे दिली ताज़ियत करता हूँ और बीमारों के लिए दुआ गोएं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द, और ज़ख्मियों के लिए कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको सेहतियाबी अता फरमाए। और उम्मीद है कि जैसे वसीम भाई ने बात की, इसको इसी तरह से देखा जाएगा और इसी तरह से ट्रैफिक के हादसात भी हो रहे हैं, तो ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिससे कीमती इंसानी जानों को उनका तहफ़ यकीनी बनाया जा सके। फिर आज यहाँ आने की जिस तरह से बात वसीम अख्तर भाई ने की, मैं इस सिलसिले में अपने साथियों के साथ, और भी साथी हैं आज हमारे साथ, वसीम आफ्ताब भाई, सलीम ताजिक भाई, ताहा अहमद ख़ान भाई आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और जिस तरह वसीम भाई ने कहा, यह सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा था एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल का, और हमारी इस अरसे में कोशिश रही कि एक दूसरे के साथ ज़हनी हमाहंगी को जन्म दिया जा सके, एक दूसरे को समझा जा सके। और मैं एमक्यूएम की राबता कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी तहम्मुल के साथ इस सारे अमल को मैनेज किया, और बड़ा तवील है, 4 साल का अरसा है, तो उसमें सबर आजमा लम्हात और मराहिल भी थे, लेकिन बड़ी सब्र तहम्मुल के साथ उन्होंने इसको मैनेज किया। और आज वसीम अख्तर भाई हमारे पास तशरीफ़ लाए, जिसका फुटेजेज़ और तस्वीरें भी जारी हुई हुई हैं। मैं वसीम अख्तर भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मुसलसल हमसे रबते में रहे, और दीगर भी साथी इस दौरान रबते में रहे, और इन सब का साथ साथ आज यहाँ पे जिस तरह से हमारा इस्तकबाल किया गया, एक एक कारकुन का मैं शुक्रगुजार हूँ, और तमाम ज़िम्मेदारान का कि जिस तरह से उन्होंने मोहब्बत और पुरखलूस तरीके से और अंदाज से हमें वेलकम किया, तो हमारी भी पूरी कोशिश ये होगी कि अपनी जो भी सलाहियतें हैं उनको, बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अपनी खिदमात एमक्यूएम के लिए उसी तरह से, उसी जाफिशानी के साथ, उसी जज्बे के साथ हम जारी रखें जिस तरह पहले करते थे। और हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे तजुर्बे से, हमारे जो भी हमने इसी एमक्यूएम में, जाहिर सी बात है, सियासत का आगाज़ किया और इसमें ही बहुत कुछ सीखा, तो जो कुछ भी हमने सीखा है, कोशिश हम ये करेंगे वो एमक्यूएम के लिए उसी तरह से, उसी अंदाज़ में हम फिर से एक बार फिर उसको लौटा सकें, ताकि एमक्यूएम एक बार फिर एक मज़बूत जमात बन सके। और जिस तरह से शहर के लोगों की, जिस तरह जो भी कुछ है उसमें तफसील में जाने का वक्त नहीं है इस वक्त, लेकिन जिस तरह से लोगों के तहफ़ुज़ात हैं, लोगों को जिस तरह से मुख्तलिफ अदवार में जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया है, तो दुआ भी है और कोशिश भी है कि एमक्यूएम अपना वो किरदार अदा करे कि लोगों की जो तवक्कात हैं उसको पूरा कर सकें। तो मैं एक बार फिर खालिद मकबूल भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, पूरी राबता कमेटी का, दीगर ज़िम्मेदारान का, कारकुनान का, कि जिस तरह से उन्होंने हमें वेलकम किया, ये जज्बा काबिले दीद था और हमारे लिए काबिले हौसला अफजाई का भी बाइस है कि उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ हमें वेलकम किया। और इंशाल्लाह हम मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, और आगे की तरफ जाकर इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें हमारी कोशिश होंगी कि जिसकी आवाम तवक्कात कर सकती है हम पूरा कर सकें। समझे भाई, ये तो बड़ी तफसीली गुफ्तगू वाला मामला है, लेकिन जाहिर सी बात है कि काम हमने वहाँ भी किया, और एक चीज़ को आज भी मैं कहता हूँ कि उधर भी काम किया, ज़ाहिर उस पर गुफ्तगू क्या करनी, लेकिन बहरहाल यहाँ हमने इस तमाम अरसे में हमारी कोशिश ये रही, डे वन से 2018 से जो शुरू हुई थी वो ये थी कि हम जब इलेक्शन जो शहर के साथ हुआ, वो ढका छुपा तो है नहीं जिस तरह से मैंडेट को हैंडल किया गया, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इस मैंडेट के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुआ, इसके लिए ज़रूरी था कि अपना किरदार अदा किया जाए। उसके अंदर हमने सबसे ही बात की है और हर एक के पास गए हैं, और हमने सारी कोशिश ये की कि सब मिलकर इस मैंडेट को बचाने की कोशिश करें, कि ना कि जिस तरह बल्दिया टाउन में हो गया और जिस तरह से दीगर इलेक्शन में हो गया कि एक के बाद पैदर पे कभी आप आरटीएस की नज़र हो गए, कभी किसी भी जेरीमेंडरिंग की नज़र हो गए, तो इसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम को हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, कि हम सब मिलके एक दूसरे के लिए वो कुशादगी इख्तियार करें कि जिससे आवाम के लिए कोई डिलीवरी हो सके, और कोई भी कर ले इसके अंदर। देखें, मेरा मकसद किसी को कतन भी क्रिटिसाइज़ ना करना पहले था ना आज है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम का मैंडेट इस तमाम जितने भी डिफ्रेक्शंस के सब के अंदर सबसे ज़्यादा है, और उसी मैंडेट ज़ाहिर पब्लिक ने दिया हुआ है, पब्लिक का दिया हुआ मैंडेट है, तो
हमने इस दौरान दीगर लोगों से भी बात की और उन सबको एक ही बात समझाई कि भाई हम सब यकजा होंगे, यही हमारी ताकत थी और यही हमारी ताकत यही हमारा इतिहाद, हमारी ताकत का जो भी कहें उसको निशाना था, तो उसकी वजह से ही हमें मैंडेट हासिल होता था। आज जब हम टुकड़े टुकड़े होकर टुकड़ियों में बढ़ गए तो हमारा मैंडेट भी चुरा लिया गया, तो उसके लिए कोशिश है। और मैं तो चाहता हूँ और भी लोगों को वेलकम करता हूँ कि वो आए और इसका हिस्सा बने। हम सब इसी MKM में काम करके गए हैं और जैसे ही अब एक पार्टी का अगर मैं हिस्सा हूँ तो उसकी पॉलिसीज़ के मुताबिक ही बात करूँगा, लेकिन इस दौरान जो 4 साल थे उसमें हमने दीगर लोगों से भी बात की है, दीगर को भी ये समझाया कि एक दूसरे को कबूल करने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे के वोट काट लेने से मसले का हल नहीं निकलेगा। अब इस पर कोई तनकीद का मैं निशाना बनाए, कोई कुछ भी कहना चाहे, वो उनकी मर्ज़ी है, उनका ज़र्फ है, लेकिन अगर हम इसी तरह से टुकड़ों में बटे रहे तो सबके सामने जिस तरह से हम ये शहर लावारिस समझ के इसका मैंडेट चुरा लिया गया, बार बार कैस का जिक्र करूँ, लेकिन जिस तरह से जो कुछ भी हुआ सबके सामने है, जो लोग सो कॉल्ड मुंतखब हो गए, इलेक्ट हो गए या सिलेक्ट हो गए, वो लोगों में तो कभी नज़र नहीं आए। वो इस शहर में बारिशें होती रहीं, इस शहर में अब तरह की कैफियत होती रही, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता रहा, इस शहर में मसाइल स्थान बन गया, तो कभी कोई नज़र ना आए तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए। तो उसके लिए यही हो सकता है कि काविशें कर ली जाएँ, सूरत हाल को बेहतर किया जाए। इसके लिए कोशिश की, बहुत सोच समझ के ये फैसला किया कि हम उस तरफ जा सकें कि जिससे सूरत हाल में बेहतरी हो सके, और सबके साथ चलने को तैयार है। जो बेहतरी के लिए कोशिश करेगा उसके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाने के लिए हम सब तैयार हैं। मेरे ख्याल आने वाले वक्तों में कोई अहम रहनुमा जो पटना से चले गए थे या खैर फाल थे, उनको आने का कोई इम्कान? देखें, आज हम लोग तशरीफ लाए हैं यहाँ पर और दीगर और भी लोग, जिस तरह वसीम भाई ने या शकील उमर भाई का अनाउंस किया, इस तरह और भी लोग हैं। ज़ाहिर है आप लोगों का जो वो आँख है ना, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेंट होती है, आप लोगों को भी अंदाज़ा रहता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं काम करना, और मुझे लगता है कि हमारे आने के बाद से उसमें बहुत सारे लोगों को राहगुजर मिलेगी। लोग आएंगे, अपनी तवानाई यहाँ पर लगाएंगे, काम करेंगे, कोशिश और उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को बराबर साबित करे, हमारे नियतों को अल्लाह ताला ही जानता है, तो हम भी ये दुआएँ कि अल्लाह ताला हमें हिदायत पर रखे, और नियतों में जो हमारे जो भी उसको तो जाहिर नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश यही है कि बेहतरी की सूरत हाल हम इख्तियार करें और बेहतरी के लिए काम करें। देखें अमजद भाई, हमारा कोई ग्रुप नहीं था, मैं इसको वाजे करना चाहता हूँ, पहले भी आया था किसी साफी भाई ने बात की थी। देखें, ग्रुप नहीं है हम सब का, यहाँ वसीम भाई के साथ कोई किसी के साथ 30 साल का अरसा है, किसी के साथ 25 साल का अरसा है, किसी के साथ 20 साल का है, एक ताल्लुक़ है। अच्छा, वो ताल्लुक़ अगर मसद उसको ऐसे तो नहीं कि अचानक से टूट जाएगा, एक दूसरे से मुंह मोड़ के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, मिलते हैं जुलते हैं लोगों के साथ। तो इस सारी कैफियत के अंदर ऐसी बात है कि अनीस एडवोकेट भाई और रज़ा हारून भाई हमसे समझें आप 24/7 रबते में रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमने PSP अपनी सबका जमात छोड़ते हुए और मैंने यहाँ MKM से जाते हुए कोई ग्रुप फॉर्मेशन नहीं की, कोई लॉबिंग नहीं की, किसी को फ़ोन नहीं किया, ना वहाँ से आते हुए मैंने किसी से कहा जब मैं घर बैठ गया कि भाई तुम भी बैठ जाओ मेरा साथ दो, मैंने किसी से नहीं कहा। किसी ने खुद हमारे साथ जहनी फ्रिक्वेंसी सेट कर ली, वो उसकी मर्ज़ी है। अनीस एडवोकेट भाई आना चाहें मोस्ट वेलकम, रज़ा हारून भाई आना चाहें मोस्ट वेलकम। अब ज़ाहिर हर आदमी आज़ाद है अपने फ़ैसले करने में, तो मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि मशवरा दे सकता हूँ, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर सियासतदान हैं और मुझे उनके मशवरों की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि वो अगर सुन रहे होंगे तो इंशाल्लाह हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे, यही कहा जा सकता है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, थैंक यू।